के वरिष्ठ पत्रकार राम जी के सरवानी इस समय छिवकी गांव के निरीक्षण में निकले। ट्रांसफार्मर की ये खुलेआम ट्रांसफार्मर सड़कों पे और नाली के बीच पे रखा हुआ है। आए दिन ये ट्रांसफार्मर में खराबी आती है, ओवरलोडिंग कटियामारी की वजह से हमेशा ये ट्रांसफार्मर ग्रसित रहता है और खराब होता रहता है। विभाग को जितने भी जिस हिसाब से मानक से लगाया गया है, मानक से ज्यादा यहाँ बिजली की खपत हो रही है। सरकार को चूना लगाया जा रहा है और सरकार परेशान है भरपाई करने में। ईमानदार उपभोक्ता त्रस्त है, बेईमान उपभोक्ता मस्त है। इसी के साथ मैं आज छिवकी गांव का पूरा निरीक्षण करने और दूर से विद्युत विभाग की व्यवस्था की और पब्लिक भी कम नहीं है और अधिकारी कर्मचारी संविदा में दलालों के इशारे पे कटियामारी होती है। दलाल जब तक रहेंगे विद्युत विभाग में, संविदा कर्मचारी रहेंगे। एक संविदा कर्मचारी 10-10 लोगों का परिवार और 30-30 लोगों का ठेका ले रखा है। देखते रहिए, ये हालात है। इतने जकड़ के बांधे जाते हैं जो कि इस तरह बांधना उचित नहीं है। चलते फिर आगे मुलाकात होगी। देखते रहिए समाचारों के साथ। ये आप देखिए, सीधा सीधा मकर जाल कटियों का लगा हुआ है। अब ये मकर जाल कटिये से सीधा दिखाई दे रहा है सरकार की भरपाई कैसे हो पाएगी। यहाँ संविदा के नाम पे जो विद्युत के कर्मचारी या जेई है और अभियंता है, उन भी कम नहीं है। वो कभी समय पे आते नहीं, न निरीक्षण करते हैं। कोई दुर्घटनाएं हादसा हो जाए तो परिवार के उस परिवार के हालात क्या होंगे, ये तो राम भरोसे भगवान ही जानेगा। मारने वाले का क्या हाल होगा, उसको कोई जो बचाने जाएगा तो स्वयं भी नहीं बच पाएगा और उस परिवार के और उस मोहल्ले की क्या हालात है। देखते रहिए समाचारों के साथ। हमारे बीच में एक परिचित है हमारे मोहम्मद भाई। मैं मोहम्मद भाई से चाहूंगा कि ये जो कटिया मारी और ट्रांसफार्मर की क्या कमी है, मैं मोहम्मद भाई एक हमारे चैनल को बताएंगे क्या कमियां हैं। मोहम्मद जी क्या बताएंगे, कटिया लगी कहाँ से, पूरा वो लगा हुआ है। यह ट्रांसफार्मर की क्या है, कटिया नहीं, इसको क्या कहा जाएगा मोहम्मद भाई? नहीं, आप तो पांच साहब आदमी पांचों वक्त के नमाजी हैं, ये कटिया नहीं क्या कहा जाएगा? यह जो कटिया लगी है उसका तो कटिया यहाँ साफ इधर दिख रही है। हम तो उम्मीद रखते हैं आप पांचों वक्त के नवाजी हैं, सही सही बताइए इसको क्या कहा जाता है मोहम्मद भाई? उधर उधर जो लगे हुए हैं कनेक्शन है, इधर कटिया लगी हुई है, कटिया इस साइड लगी हुई है। जब कनेक्शन है तो कटिया की कहाँ से आवश्यकता आ गई? अरे भैया कटिया लगाया है जो कटिया लगाया है इससे आप पूछिए। अच्छा, ये ट्रांसफार्मर की क्या दिक्कत है मोहम्मद भाई? ट्रांसफार्मर तो आए दिन ओवरलोड होकर जलता रहता है, या तो इसमें जो है साला आए दिन शॉर्ट सर्किट मारता है, तो कभी एक फेस गोल होगा कभी दो फेस गोल होगा, और इसको सुनने वाला कोई नहीं। यहाँ का जेई कौन है और कौन सा फीडर स्टेशन आता है? फीडर स्टेशन है आपका मामा भांजा तालाब। यहाँ का जेई और अभियंता कौन है? और अभियंता का नाम तो अभी नहीं पता है मुझे। चलिए हम पता लगा लेंगे। SDO कौन है? SDO के नाम की जानकारी हमें नहीं है। लाइन मैन कौन है? ये भी हमें पता नहीं। कितने दिन से दुकान कर रहे हैं? 7-8 दिन। बत्ती कहाँ से जला रहे हैं? मीटर से चलता है कटिया से? पता नहीं साहब, मीटर चलता है कटिया चलता है ये पता नहीं है। तुम्हारा निजी है किराए पे हो? किराए पे। क्या नाम है? पवन सिंह। कितने दिन से यहाँ पे हो? मैं तो 7-8 दिन से दुकान खोल रहा हूँ। कितने पे किराए पे लिए हो? 12 रुपए। दुकानदारी कैसी चलती है? डाउन चल रही है। तो देखते रहिए, ये दुकानदार है अभी तो नए नए हैं और इनको ये नहीं पता है कटिया चलती है।